बस्ती जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने दोस्ती की मिसाल पेश कर दी है। हालांकि अब दोनों की दोस्ती ईश्वर ने तोड़ दी है, कारण उसमें से एक दोस्त की डूबने से मौत हो गई है। मामला बस्ती जनपद के कलवारी थाना क्षेत्र के सरयू नदी के नौहरनी घाट का है, जहां पर मुंडरवा थाना क्षेत्र के व्यक्ति के शव को गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए नौहरनी घाट पर लेके गए थे। जब अंतिम संस्कार की रस्म खत्म हुआ तो दाह संस्कार में शामिल लोग नदी में नहाने लगे। इसी समय मुंडरवा थाना क्षेत्र के अमाडोहा गांव निवासी बीरू भी नहाने गया, लेकिन नहाते समय बीरू का पैर गहरे पानी में चला गया और वो डूबने लगा। धीरू को डूबते देख उसी गांव के निवासी सुमित ने अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में नदी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते दोनों नदी में डूबने लगे। जब तक वहाँ मौजूद लोग मदद की गुहार लगाते तब तक बीरू और सुमित दोनों ही नदी में डूब चुके थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के माध्यम से उन दोनों को बाहर निकाला, जिसमें सुमित की मौके पर ही मौत हो गई थी और बीरू को उपचार के लिए जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। एक नौरानी घाट जो थाना कलवारी में पड़ता है, मुंडेरवा थाना क्षेत्र के कुछ लोग एक व्यक्ति का अंतिम दाह संस्कार में वहाँ गए हुए थे और अंतिम दाह संस्कार के पश्चात जब वहाँ लोग स्नान कर रहे थे, एक लड़का धीरू जो उसमें स्नान करने के लिए नदी में गया था वो डूबने लगा। उसको बचाने के फिराक में एक लड़का सुमित कुमार जो नदी में गया वो उसमें डूब गया और उसमें उसकी मृत्यु हो गई है। सुमित कुमार पुत्र राम प्रसाद, ये मूल रूप से अमरडोभा ग्राम थाना मुंडेरवा का रहने वाला है, जिसकी डेड बॉडी हम लोगों ने प्राप्त कर ली है और इसमें इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इसमें कोई आपराधिक के कृत्य नहीं किसी प्रकार से संबंधित।